सैयदे बुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। 18वें पारे की तिलावत की गई आज की तरावी में अल्लाह ताला ने इब्तदाई आयत में मोमिनीन की ख़ास औसाफ और सिफात को बयान फरमाया है कि असल ईमान वाले लोग कौन हैं जिनको अल्लाह पाक आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करेंगे। फरमाया कि मोमिनीन वो हैं जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू इख्तियार करने का मतलब ये है कि नमाज में आजिज़ी और इनकिसारी से काम लेते हैं। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, यानी जो लोग नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं उससे मुराद ये है कि नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं। रफ़ुल यदैन का मतलब होता है रुकू में जाते वक्त दोनों हाथ उठाना, रुकू से उठते वक्त दोनों हाथ उठाना, तीसरी रकात के शुरू में दोनों हाथ उठाना, इसे रफ़ुल यदैन कहते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से इस आयत की तफसीर में ये बात मिलती है कि रफ़ुल यदैन करना ये नमाज के खुशू और खुजू के ख़िलाफ़ है। सवाल पैदा होगा कि जो लोग हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह की फ़िक़ह में पैरवी करते हैं वो हज़रात तो रफ़ुल यदैन करते हैं, जो लोग फ़िक़ह में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की तक़लीद करते हैं वो नहीं करते हैं। तो देखिए, हज़रात सहाबा में दोनों तरह के अस्हाब मौजूद हैं। बाज़ सहाबा वो हैं जो नमाज में रफ़ुल यदैन के क़ाइल थे, बाज़ सहाबा वो हैं जो नमाज में रफ़ुल यदैन के क़ाइल नहीं थे। ये मसला हज़रात सहाबा के दरमियान में मुख्तलफ़ ही हैं, लिहाजा जो लोग रफ़ुल यदैन करते हैं उनके पास भी अहादीस हैं और जो लोग रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं उनके पास भी अहादीस है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से एक तफसीली रिवायत नकल की है जिसमें फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने लोगों को नमाज सिखाई और अपने करीब बुलाया और फरमाया, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने लोगों को नमाज सिखाया और नमाज पढ़कर बताया और इस तरह पर कि नमाज के शुरू में यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाहु अकबर रफ़ुल यदैन किया और उसके बाद पूरी नमाज में कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया। तो ये हदीस जिससे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तदलाल किया और हम इसी हदीस पर अमल करते हुए अपनी नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं। तो मोमिनीन की ये सिफत बताई कि जो नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, और उसके बाद और भी सिफात बताई कि मोमिनीन वो हैं जो अपने दिल का तस्किया करते हैं, अपने कामों की सफाई करते हैं, अपने दिल को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। मोमिनीन वो हैं जो अपनी अमानत में खयानत नहीं करते हैं। मोमिनीन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। ऐसी तकरीबन 10 सिफात को 18वें पारे के शुरू में बयान किया गया है।
उसके बाद कुफार का तस्करा हुआ आगे चलकर कि कल जब काफिरों को जहन्नम का आज़ाब होगा, बल्कि यूँ बताया गया कि जब काफिर की मौत आती है तो उस वक्त जो है वो अपने सामने मौत के वक्त अपने ठिकाने को देखता है तो तमन्ना करता है लाअली अर्जियो अमलन सालिहा कि मुझे वापस लौटा दिया जाए, मैं फिर से अच्छा अमल करके जन्नत का मुस्तहिक बनूंगा। मगर दोबारा उस काफिर को मौका नहीं दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही अहम आयत का तस्किरा हुआ और ये चार आयत हैं सूरह मोमिनून की आखिर की, जिसमें अल्लाह पाक ने बताया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? ऐसा नहीं है, तुम एक मकसद लेकर दुनिया में आए हो। ये आखिर के चार आयात के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया मिलता है कि एक शख्स बहुत बीमार था और लाइलाज उसको मर्द था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का वहाँ से गुजर हुआ, आपने सूरह मोमिनून की इन आखिर की चार आयात को पढ़कर उसे दम किया, अल्लाह पाक ने उसे मर्द से शिफा अता फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा कि ऐ अब्दुल्ला, तुमने क्या पढ़कर दम किया कि ये बीमार अच्छा हो गया? फरमाया कि सूरह मोमिनून की चार आयात मैंने पढ़कर दम किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन चार आयात में ऐसी तासीर है कि अगर इन चार आयात को यकीन के साथ पढ़कर पहाड़ पर दम कर दिया जाए तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। ये चार आयात ऐसी हैं जिसे हर मोमिन को याद रखना चाहिए। सूरह मोमिनून की आखिर की चार आयात हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। आप कुरान में सूरह मोमिनून की ये चार आखिरी आयात देख सकते हैं। उसके बाद सूरह नूर की तिलावत हुई। बड़ा अहम वाक़िया है सूरह नूर के अंदर इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल्इफ्क़ उस्बतुम मिनकुम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा था। बड़ा मशहूर वाक़िया है, सन 6 हिजरी का वाक़िया है। ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक से वापस होते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त एक जगह पर पड़ाव किया और आखिरी रात में आपने काफिले वालों से कहा पूछ करो। काफ़िला रवाना हो गया, मगर जिस वक्त काफ़िला रवाना होने वाला था उससे कुछ देर पहले अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ऊँट के कजावे से बाहर तशरीफ़ ले गई और दूर जाकर कज़ाए हाजत करने लगी। यहाँ पर काफ़िला निकल पड़ा। जब अम्मी जान आयशा तशरीफ़ लाई तो मंजर ये है कि सारा काफ़िला रवाना हो चुका है। अगर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन उसी जगह पर बैठ गई, अपने आप को चादर से ढांक कर आप लेट गई। जब सुबह का वक्त हुआ तो एक सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिसे अल्लाह के नबी ने काफ़िले में इस काम के लिए मुतय्यन किया था कि जब काफ़िला रवाना हो जाए तो काफ़िले के चले जाने के बाद आपको ये देखना है कि काफ़िले वाले का कोई सामान तो नहीं छूटा है, कोई बात तो नहीं पेश आई है। हज़रत सफ़वान जब सुबह हुई तो आपने देखा कि कोई चादर ओढ़ कर लेटा हुआ है। आप पहचान गए कि ये हज़रत आयशा है। आपने ज़ोर से इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा ने यह आवाज़ सुनी तो फौरन बेदार हुई। हज़रत सफ़वान ने अपने ऊँट को आगे बढ़ाया और बिठा दिया। हज़रत आयशा सफ़वान के ऊँट पर सवार हुई। हज़रत सफ़वान उस ऊँट को लेकर तेज़ी के साथ चले और काफ़िले से जा मिले। ये बात मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को पता चली। अब्दुल्ला बिन उबई ने इतना घनावना इल्ज़ाम लगाया हज़रत आयशा पर कि नाऊज बिल्ला, हज़रत आयशा ने सफ़वान के साथ गलत काम कराया है। ये बात उसने इतनी तेज़ी से मदीना में फैलाई कि मदीना में कोहराम मच गया। इस मुनाफिक मर्दूद की बात पर
بعض مخلصین بھی یقین کر بیٹھے. حضرت حسان بن ثابت نے یقین کر لیا, حضرت مستح بن اساسہ نے یقین کر لیا, حضرت حمنہ بنت جحش نے یقین کر لیا, اور مدینہ میں کہرام مچ گیا کہ امی جان عائشہ پر یہ کیا الزام لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور عجیب کیفیت ہیں. حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ کیا بات ہے, کیا چرچا چل رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں, صحیح طرح سے بات نہیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ تشویش کا شکار ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مستہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں. ام مستہ کو ٹھوکر لگی, ام مستہ گری, تو ام مستہ نے گرتے ہوئے اپنے بیٹے مستہ کے لیے بد دعائیہ کلمات کہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا, ارے ام مستہ تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا, اے عائشہ تجھے پتہ نہیں کہ مستہ نے تیرے اوپر الزام لگا دیا ہے؟ اور ساری تفصیلات بتائی. حضرت عائشہ چونک گئی, فرمایا میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے شوہر اللہ کے نبی اس سے تھئی سے بات نہیں کر رہے ہیں, میری طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت عائشہ کو اتنا عجیب سا لگا کہ گھر آ کر آپ بے ہوش ہو گئی. آپ کو اپنی ماں کے گھر روانہ کیا گیا, وہاں آپ کی طبیعت بڑی خراب ہوئی, کئی دن تک آپ کی طبیعت بگڑی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کی طبیعت دیکھ کر بڑا افسوس ہوا اور عجیب کیفیت ہیں. ابو بکر صدیق الگ پریشان ہیں, حضرت فاروق اعظم الگ پریشان ہیں, حضرت عائشہ کی والدہ الگ پریشان ہیں, اللہ کے نبی الگ پریشان ہیں, صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ عبداللہ بن ابی نے کیا ماحول خراب کر رکھا ہے؟ اب وہاں بیٹھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس کئی دنوں کے بعد اور آپ بات چیت کر رہے ہیں, اچانک آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور آپ پر وحی اتری. اللہ کی طرف سے امی جان عائشہ کے بارے میں صفائی نازل ہوئی. آیت آئی, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم. تقریباً آدھے سے پونا صفا حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوا اور فرمایا گیا, سبحانک ھذا بہتان العظیم, خوشخبری ہو, مبارکبادی ہو عائشہ کے لیے کہ اللہ پاک نے عائشہ کی صفائی آسمان سے نازل فرما دی. اور منافقین کو کرارا جواب ملا. عبداللہ بن ابی کے منہ کی کھا کر گر گیا اور عبداللہ بن ابی جو ہے شرمندہ اور رسوا ہوا. اللہ پاک نے امی جان عائشہ کو عزت بخشی. یہ ساری تفصیلات سورۃ النور کے حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمارے دل میں صحابہ کی عظمت کو پیدا فرمائے. اللہ پاک ہمارے لیے صحابہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.